In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope that you all will be fine and safe at your home. Today, I will teach you lesson number 4 of class 6. The name of this lesson is Cleopatra, the famous queen of ancient Egypt. The famous queen of ancient Egypt and Cleopatra. So, I have written here some difficult words. Queen Malka, ancient Kadim ya Purana, cradle palna ya jhula, pyramids or pyramids jo hai ahram, ahram misar jaise hum kehte hain beta, personality shaksiyat, countenance chehra, custom rasm aur rivaj, defeat shikast, soldier sipahi, strengthen taqat. And today I will teach you it's on page number 22 and 23. So let's open your book, page number 22. Egypt was the cradle of ancient civilization of the world where it developed and flourished. Yani ke kaha ja raha hai ke Misr jo hai wo ek aisi एंशियंट सिविलाइजेशन है, कैसी तहजीब है जहाँ पर जो है तरक्की तहजीब तमद्दुन हर चीज़ जो है वो क्या थी, फली फली फूली बढ़ी, वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा तरक्की की. मैनी इथोपियन एंड मैसिडोनियन डायनेस्टीज रूल्ड ओवर हर. यहाँ पर काफ़ी शहनशाहों एथोनियन और क्या नाम है मैसिडोनियन लीडर्स जो थे इन्होंने हुक्मरानी की. दोज एंशियंट रूलर्स वर कॉल्ड फेरोस हु बिल्ड द वंडरफुल पिरामिड्स एज देयर एवरलास्टिंग प्लेस ऑफ रेस्ट. यहाँ पर बहुत सारे कदीम मैसिडोनियन और एथोपियन जो है रहनुमा उन्होंने हुकूमत की थी और उन्होंने यहाँ पर अहराम मिस्र पिरामिड्स बनाए जो उनकी आखिरी आराम गाहें हैं. Cleopatra was most famous queen of Egypt in the history of world. दुनिया की तारीख अगर हम उठा कर देखें तो Cleopatra जो है वो एक बहुत ही हसीन और बहुत ही मशहूर मारूफ मिस्र की मलका है. She was born in 69 BC और ये 69 BC को पैदा हुई. When her father died in 51 BC, she ruled Egypt jointly with her brother. और जब इसके अबू का इंतकाल हुआ तो ये अपने भाई जो है पौलमी जो उसके साथ जो है हुकूमत करती थी मुल्क पर. शी वॉज द लास्ट सोवरियन ऑफ मैसिडोनियन डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर इजिप्ट बिटवीन द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 323 बीसी. और ये बहुत ही खूबसूरत थी क्लोपेट्रा और ये मैसिडोनियन जो डायनेस्टी है मतलब उसके जो आखिरी वो था का मतलब जो उनका खानदान चलता हुआ आ रहा था तो उसमें से ये लास्ट पर थी और इसने जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसके फोर्थ होने तक वहां पर जो है क्या की हुकूमत की. शी वाज ऑफ मैसिडोनियन डिसेंट एंड हैड नो इजिप्शियन ब्लड. इसका जो शजरा नसब है वो मैसिडोनियन जो है से मिलता है और इसमें इजिप्ट का कोई जो है वो नहीं पाया जाता, खून इसकी रगों में दौड़ता. शी अलोन ऑफ हर हाउस टुक द ट्रबल टू लर्न द इजिप्शियन लैंग्वेज. इसने अकेली ने बहुत मेहनत की जद्दोजहद की और जो मिस्री जबान है उस पर उबूर हासिल किया. शी रिगार्डेड हरसेल्फ एज अ डॉटर ऑफ री द सन गॉड फॉर पॉलिटिकल रीजंस. और ये अपने आप को जो है वो री की बेटी जो है जिसे क्या कहते हैं सन गॉड ऑफ पॉलिटिकल रीजन, जो ये सियासी वजूहात होती हैं उसका जो देवता होता है उसकी बेटी ये अपने आप को तसव्वुर करती थी. क्लोपेट्रा पोजेस वंडरफुल अट्रैक्शन इन हर पर्सनैलिटी. जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोपेट्रा बहुत ज्यादा हसीन जमील थी तो जो भी इसे देखता इसकी तरफ खिंचता चला जाता. Whoever saw her tried to close to get closer to her.
हर कोई जब भी इसे मिलता इसकी पर्सनैलिटी में इतना चार्म था कि उसकी तरफ खिंचता चला जाता, उसके करीब तर होता चला जाता। शी सक्सीडेड इन अट्रैक्टिंग टू ग्रेट रोमन जनरल्स जूलियस सीजर एंड मार्क एंटनी, और इसने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया दो जो रोमन जनरल थे, एक का नाम जूलियस सीजर था और एक का नाम क्या था, मार्क एंटनी। शी न्यू वैरायटी ऑफ वेज टू इंप्रेस अदर्स, वो जानती थी कि लोगों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है। शी बोथ दैट वैरायटी वाज द स्पाइस ऑफ लाइफ, और वो कहती थी यही जिंदगी का मजा है, यही जिंदगी का चार्म है कि इंसान के पास मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज होनी चाहिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। दो शी वाज अ क्वीन बट शी एंजॉयड हर वर्ल्डली लाइफ कंप्लीटली, हालांकि वो एक मलका थी लेकिन उसने अपनी जो दुनियावी जिंदगी है उसके हर एक हिस्से को जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो गुजारा। नाउ ऑन पेज नंबर 23, क्लियोपेट्रा हैड अ काउंटेनेंस अलाइव रादर देन ब्यूटीफुल विथ अ सेंसिटिव माउथ, फर्म चिन, लिक्विड आईज, ब्रॉड फोरहेड एंड प्रोमिनेंट नोज। Her voice says that great biographer Praj was like an instrument of many strings. यहाँ पर बता रहा है कि क्लियोपेट्रा का चेहरा कितना प्यारा था, कितना रोशन था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा सा माथा और उसका खूबसूरत सा नाम, और उसका जो बायोग्राफर यानी कि उसकी सवाने उम्री लिखने वाला पेट्रार्क है वो बता रहा है, कह रहे कि उसकी आवाज ऐसी थी जैसे मुख्तलिफ जो साज जो है, जब ये जो तारे मतलब साज क्या था वायलिन की जब वो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको बजाते हैं तो उससे खूबसूरत सी धुन पैदा होती है, वैसी ही इसकी आवाज थी क्लियोपेट्रा की। इन एंशियंट इजिप्ट द मैरिज बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर वॉज अ पॉपुलर कस्टम, कदीम मिसर में बेटा जो एक ये रस्म और रिवाज बहुत मशहूर था कि बहन और भाई की शादी हो जाती थी। शी मैरिड हर ब्रदर पॉली एट, और इसने अपने भाई जो के बादशाह था जिसके साथ मिलकर ये बादशाहत करी थी उसके साथ शादी कर ली। व्हेन पॉली ट्राइड टू हैव हिज सिस्टर मर्डर्ड, क्लियोपेट्रा फ्लेड टू रोम एंड आस्क हेल्प फ्रॉम जूलियस सीजर, और जब उसका भाई जिससे इतने शादी की थी वो उसे मारने लगा कि जाहिर है दौलत जो है उसको भी देनी पड़ती क्लियोपेट्रा को, तो इसे पता चला कि इसका भाई से कत्ल करने वाला, तो वो ये भाग गई रोम चली गई और वहां पर जाकर इसने जूलियस सीजर से मदद मांगी। जूलियस सीजर लेड एन आर्मी एंड डिफीटेड पॉम्पी एंड मेट क्लियोपेट्रा द वर्चुअल रूलर ऑफ इजिप्ट, जूलियस सीजर ने अपनी तमाम आर्मी को इकट्ठा किया और जाकर इसके भाई पर जो है वो हमला बोल दिया, हम दावा कर दिया, हमला जब किया और वहां पर उसे जो है वो शिकस्त दे दी, और फिर ये जो है जूलियस जो क्लियोपेट्रा है इजिप्ट की जो है वो रूलर बन गई। क्लियोपेट्रा सेकंड टाइम विजिटेड रोम व्हेन जूलियस सीजर सक्सीडेड इन अ सिविल वॉर एंड रिटर्न्ड रोम, क्लियोपेट्रा दूसरी बार रोम उस वक्त गई जब जूलियस सीजर जो है एक सिविल वॉर कहते हैं विद इन कंट्री, जो कि वो जंग मुल्क में ही हो, किसी और के साथ ही अपने ही मुल्क में हो रही हो, तो जब वो जीत कर आया था तब जो है ये क्लियोपेट्रा से मिलने के लिए गई। द रोमन पीपल सेलिब्रेटेड दिस विक्ट्री जॉयफुली, और रोम के जो लोग थे उन लोगों ने इस फतह को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जश्न मनाया इसका। अ गोल्डन स्टैचू ऑफ क्लियोपेट्रा हैड बीन प्लेस्ड इन द टेंपल ऑफ वीनस जेनिट्रिक्स, और जो है एक सुनहरा मुजस्मा क्लियोपेट्रा का जो है एक मंदिर जिसका नाम वीना जेंट्रिक्स था वहां पर लगाया गया। शी वॉज स्टिल इन रोम व्हेन जूलियस वॉज मर्डर्ड बाय ब्रूटस, और जो है ये तब तक रोम में थी जब जूलियस का जो है वो कत्ल किया ब्रूटस ने, उसे मार दिया। बाय 41 बीसी द रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड बिटवीन ऑक्टेवियस एंड मार्क एंटनी, फिर क्या हुआ बेटा 41 बीसी में रोमन एम्पायर जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो गई, किस किस के पास, ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी के पास। क्लियोपेट्रा एंड मार्क एंटनी वर इन लव एंड मैरिड, क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इन लोगों ने शादी कर ली। एंटनी बिगेन यूजिंग रोमन सोल्जर टू स्ट्रेंथन इजिप्ट, एंटनी ने क्या किया अपने रोमन जो सोल्जर थे उनको मिलाया ताकि इजिप्ट की ताकत बना सके,
ऑक्टेवियस डिसलाइक्ड इट, ऑक्टेवियस जो है ये नापसंद करता था। Moreover, the news of their marriage reached Rome and disturbed Antony's wife, who was the sister of Octavius. और उनकी शादी की खबर जो है वो इजिप्ट भी रोम भी पहुंच गई और एंटनी की जो बीवी थी वो ऑक्टेवियस की बहन थी। He lost his patience and declared war against them. जब उसने ये सुना कि एंटनी ने जो है वो उससे क्लोपेट्रा से शादी कर ली है तो उससे ये जो है बात वो ना हो सकी, बर्दाश्त ना हुई बेटा, और उसने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। मार्क एंटनी एंड क्लोपेट्रा ज्वाइंड देयर आर्मीज टू काउंटर द अटैक ऑफ ऑक्टेवियस। मार्क एंटनी और क्लोपेट्रा ने दोनों ने अपने जो सिपाही थे उनको बुलाया ताकि जो है वो ऑक्टेवियस पर हमला कर सकें। इट वॉज देयर बैड लक दैट दे लॉस्ट द बैटल, और ये इन लोगों की बदकिस्मती थी कि ये जो जंग हार गए। ऑक्टेवियस वॉज टोटली विक्टोरियस, ऑक्टेवियस जो है वो क्या हो गया, फैटर बन गया, यानी कि वो जंग जीत गया। मार्क एंटनी वॉज किल्ड इन द बैटल एंड क्लोपेट्रा वॉज कैप्चर्ड। मार्क एंटनी जो है वो इस जंग में मार दिया गया और क्लोपेट्रा को जो है वो क्या कर लिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया। टू एस्केप बीइंग टेकन टू रोम एज अ कैप्टिव, और उसको जो है कैदी बनाकर जो है रोम ले जाया गया। She killed herself by the bite of an asp, a poisonous snake, the symbol of a divine duality. इसने क्या किया कि अब इसको जो कैद में जो है वो बंद कर दिया गया, इसे कैद कर दिया गया, तो इसने एक जहरीला सांप लिया और उसे अपने बाजू पर डसवा लिया और ये मर गई। The symbol of divine duality, और ये जो सांप था as a poisonous snake, ये जो है एक डिवाइन जो है रॉयलिटी, यानी कि एक शाही खानदान की उसे जो है अजमत को जाहिर करता है। इन दिस वे शी डाइड विद डिग्निटी इन द किंगडम ऑफ इजिप्ट, इस तरीके से वो जो इजिप्ट मिसर है वहां पर एक अजमत के साथ बड़े रुतबे के साथ जो है मर गई। और क्लोपेट्रा वाज 39 एट द टाइम ऑफ हर डेथ, शी हैड बीन द क्वीन ऑफ इजिप्ट फॉर 22 ईयर्स, और जब क्लोपेट्रा का इंतकाल हुआ उसकी उम्र 39 साल थी और उसने इजिप्ट पर तकरीबन 22 साल जो है वो हुकूमत की। बेटा ये आज के हमारे लेसन की रीडिंग थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो वी विल मीट अगेन विद एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।